बच्चों, आइजेक का जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा सिर्फ एक सपना था कि बच्चा अपने हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल पे पहुंच जाए। उस सपने के लिए मैं जुटा रहा और मैं एक बात पे विश्वास करता रहता हूं हमेशा कि अगर तुमने ठाना है तो तुम मंजिल को जरूर पाओगे। मैं इसके लिए कोशिश करता रहता हूं। मैं हमेशा यूट्यूब हो या कुछ भी हो कॉन्टेंट पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिस हद तक मैं पहुंच सकता हूं। कई सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, बहुत सारी चीजें हमने उथल पुथल देखी। ये पॉलिटिकली लोगों ने भड़काया, लोगों ने घबराया, लोगों ने हमें परेशान किया, पर सब कुछ देखा। पर मैं जब अपने बच्चों को ये सिखाता हूं कि यार तुम्हें आगे बढ़ना है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूं, तो मैं आइजेक पे एक चीज की तो गारंटी देता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन टू द पॉइंट जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम आईटी जेई और नीट के लिए जरूरी है वो आपको मुहैया होनी चाहिए। चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए वो मैं अकेले झेलने को तैयार हूं, लेकिन पीछे आपके लिए ऊपर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे वो ये बात तो समझते हैं कि हाँ, कि हम आइजेक पे उनके लिए जो कर सकते हैं सब बेस्ट कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ऐसा काम करें। अब एक समस्या आई कि हाँ ये कोशिश तो सही है सर, पर फिर भी एक समस्या है कि फीस जो है ना सर, आप कर तो रहे पर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं भी इस बात को समझता हूं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी बहुत गरीबी से पढ़ा हूं। मेरे मास्टर जी ने मेरी फीस नहीं ली थी, मैं स्टार्ट में नहीं कर पा रहा था। ऐसा रीजन ये था कि मेरे पास रिसोर्सेस की कमी थी, तो मैंने कहा कि नहीं फीस तो देनी पड़ेगी भाई। आज की डेट में मेरे पास है इतनी चीजें कि मेरे को पैसे बहुत ज्यादा फीस लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इस चीज को इतने लेवल पे ले आऊं जहां पर प्रॉपर एजुकेशन सबसे कम दामों पे मिल सके ताकि बच्चा पूरी ताकत से पढ़ाई कर सके। तो ऑफलाइन में मैंने आपको एक ऐसा बात बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है कि बढ़िया कंटेंट तो हम देंगे, अभी मेरे सारे टीचर आएंगे। अगर कोई भी आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लग जाए कि ये कंटेंट सही नहीं दे रहा तो आप मेरे पास सीधे आना। ये मेहनत नहीं कर रहा, ये आपके डाउट नहीं सॉल्व कर रहा, आप मेरे पास आओ सीधे। अगर ना हो तो मुझे कहना कि सर ये डाउट नहीं सॉल्व कर पा रहे। उनको पढ़ना पड़े, समझना पड़े, क्या करना पड़े। मैंने सबको बोल रखा है, पूरी टीम को। आज की डेट में मैं बोल सकता हूं, पहले मैं सबको बहुत बोल भी नहीं सकता था, पर अब मैं बोल सकता हूं। और मैंने बोला हुआ है कि चाहे तुम्हें 10 रात रात भर पढ़ना पड़े पर बच्चों को सही कंटेंट पहुंचना चाहिए। कोई टाइम पास नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ सही कंटेंट पहुंचना चाहिए। अब बात आई फीस की, तो फीस के लिए ये फीसेस हैं जो यहां पर एग्जिस्टिंग भीड़ में पढ़ाने के लिए लोग लेते हैं। हम भीड़ में भी नहीं पढ़ा रहे, इंडिविजुअल अटेंशन देंगे हम आपको, डे बोर्डिंग सिस्टम देंगे, यही बैठ के पढ़िए, यही समझिए, सब कुछ ये करिए। और ये हम देंगे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए में पूरे साल के लिए ड्रॉपर को, जो आईटी जेई जिसका ड्रीम है और उसको आईटी जाना है, और वो वायदा करे कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। आप बस ये सर मेरी हेल्प कर दिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरी ताकत लगा के पढ़ाई करूंगा। और ज्यादा दुनिया की भावनाओं में मत बहिए, ड्रामे में मत घुसिए कि कौन क्या कर रहा है। आप तो सिर्फ इस बात पे फोकस करिए कि मैं सिलेक्ट होऊंगा सर, प्लीज आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूं, तो फीस भी कंसर्न नहीं है। और अगर आप नीट की तैयारी करने जा रहे हैं तो मैं यही कोर्स ड्रॉपर के लिए मैं 45,000 रुपए में दूंगा। ये तो छोड़िए, इसके बाद भी अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है तो आइए हमारे पास, हमसे बोलिए कि क्या दिक्कत है, मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सस्ते में अकोमोडेशन अरेंज हो जाए ताकि आपके लोड ना पड़े। पर बच्चे तुम जो है ना पूरी ताकत लगा के पढ़ाई करना। ये जो मेरी टीम है, इस टीम का कोई भी बंदा आपको अगर मक्कारी करता हुआ दिखाई दे कि यार मैं मेहनत नहीं कर रहा है, ये सर ये मेरे को ये कभी टाइम नहीं देते ना करते, आप सीधे मुझसे बात करिए कि ये टाइम नहीं देते। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने भी कसम खाई है, कसम खिलवाई है, मैंने कुछ हो जाए बस ये बच्चों के लिए जान देनी है। वे काम तो करके दिखाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो है संघर्ष और दृढ़ विश्वास। वो दृढ़ विश्वास मैंने इनके अंदर जगाया है, वो दृढ़ विश्वास आपके अंदर आना चाहिए ताकि हम और आप मिलकर आपके भविष्य को बना सके। और आपके भविष्य में ही हमारा भविष्य है, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे, आज वो बच्चे जब मुझे फोन करते हैं, मैसेज आते हैं ना कि मैं कभी, अभी आज सुबह मैसेज आया कि मैं सर कभी आपका शुक्रिया नहीं कर पाया, मैं आईटी में बैठा हूं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, मैंने आप जैसे इंसान देखा, चलो जो भी कहा उसने ये लिखा है मैसेज।
तो आप में अगर वो ताकत है, आप में वो मेहनत करने की जज्बा है, तो आप जुड़िए, ड्रामों में मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ मिल बैठकर पूरे दिन रात पढ़ाई करके हम सिलेक्ट होकर दिखाएंगे। कोई कहता है कि सब सिलेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, पर मेरे लिए नहीं कह रहे हो भैया, तुम बगल वाले के लिए कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, तो ऐसी सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तो अब फीस भी समस्या नहीं है, कंटेंट तो बेस्ट दूंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो तैयार हो जाइए और आ जाइए, बस्ता बांधिए और आइए कोटा आइज़ैक पढ़ने। वी आर गोइंग टू रॉक फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच, पाया रहेगा, सभी को एंजॉय लाइफ।